मैंने जब अपनी शादी की शॉपिंग में भी इतनी महंगी साड़ी नहीं लाई जितनी महंगी साड़ी में गिफ्ट में मिली है मुझे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार है, नमस्ते। मेरा नाम है निधि नेगी और आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। अभी मैं ना ऑफिस के लिए रेडी हो गई हूँ। घर से माँ ने दूध भेजा था, मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, नहीं तो फट जाता है आजकल बहुत जल्दी दूध। और हमारे लिए घर से स्पेशल आए हैं काफल। और आजकल इस बार तो बहुत काफल का सीजन है, बट क्या करें, आग लग गई जंगलों में, भयंकर वाली आग लगा दी लोगों ने और पूरे काफल खराब हो गए हैं। मतलब पेड़ जब जल गए हैं तो काफल कहाँ से रहेंगे। तो मैं तो वैसे तैयार हो गई थी, तब तक दूध वाला आ गया। दूध और काफल आपको भी दिखाती हूँ। आए हैं ये हमारे घर के काफल आए हैं, और ये कटोरी दीदी को दूंगी एक, और ये ऑफिस ले जाऊंगी क्योंकि मैं भी कितना ही खाऊंगी तो ऑफिस में खिलाऊंगी आज सबको काफल। इसका ढक्कन लगा देती। इस वाले डब्बे पे ना हम मलाई, क्या बोलते उसको, पनीर लाए थे बाजार से, तो इसको ले जाऊंगी ऑफिस में और इसको भी रख दूंगी। यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया है और अपना बैग वैग तो सारा पैक कर दिया है। चलते हैं ऑफिस, मिलती हूँ आपको। आज एक समोसा और हरी वाली चटनी किसी की पार्टी का। मेरी छुट्टी हो गई है और मैं ऑफिस से घर आ गई हूँ। घर आते मैं आज सीधे घर आते टाइम उधर चली गई थी, सीधे जहाँ सब्जी मिलती है। ऐसे यहाँ पे भी मिलती है सब्जी, पर ताजी ताजी जो सब्जी होती है ना वो उधर पे मिलती है, तो मैं साथ ही साथ वहाँ से सब्जी भी ले आई हूँ। और सब्जी में आज लौकी और भिंडी, भिंडी आज का 60 रुपये किलो हो गई, परसों तक लाई थी मैं तो 80 रुपये किलो, एक दिन 100 रुपये किलो थी, तो आज आधा किलो भिंडी लाई हूँ क्योंकि भिंडी 60 रुपये किलो हो गई है। साथ ही साथ अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी यहाँ पे, और कुछ देर थोड़ा सा बाहर पे बैठे रहे, इतनी थकान लग जाती है ना, भले काम ज़्यादा ना हो पर थकान लग ही जाती है, पता नहीं क्यों, बैठे बैठे भी। और काम करो तब तो उतना नहीं लगता है जितना बैठे बैठे से लगती है थकान। और कल हमारी सेकंड सैटरडे की छुट्टी है और परसों हमारा संडे है, तो 2 दिन की छुट्टी के मजे लेंगे। कल मजा ही क्या लेंगे, बहुत सारे कपड़े हो रखे धोने के लिए, सफाई करने का हो, तो वीकेंड में यही होता है हमारा, सफाई करो कपड़े धो। वैसे तो हम घर जाते हैं पर कल हम घर नहीं जाएंगे और यहीं रहेंगे, बहुत सारे काम है यहाँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने 2-4 दिन बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया ना, तो मैंने आपको वो चीज़ नहीं दिखाई, तो जाओ दिखाती हूँ। मैंने जब अपनी शादी की शॉपिंग में भी इतनी महंगी साड़ी नहीं लाई जितनी महंगी साड़ी में गिफ्ट में मिली है मुझे, तो मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी कैसी हो। अरे कैमरे में तो वो अच्छी नहीं आ रही है ना, जैसी रियल कलर सा जो है उसका वैसी नहीं आ रही है, बाकी कैमरे को जितना भी ओरिजिनल करो उतना अच्छा नहीं आ रहा है कलर। बाकी वो साड़ी इतनी अच्छी है दिखाती हूँ आपको। साड़ी कुछ इस तरह की है और ये साड़ी का कलर जो ओरिजिनल कलर है ना वो कैमरे में आ ही नहीं रहा है, किसी भी हालत में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ये समझ नहीं आई। तो ये साड़ी मुझे मिली है गिफ्ट में, ये लो। सो ये रही मेरी गिफ्ट की साड़ी। बाकी इसका कलर जो ना, जो इसका ओरिजिनल कलर है वो आ नहीं रहा कैमरे में, पता नहीं क्यों, इसका कलर थोड़ा सा क्या बोले पर्पल सा है, और पर वो आ नहीं रहा है इसको, इस साड़ी को पता नहीं कौन सा वो बोल रहे थे वो, इस डिज़ाइन को मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा, आएगी या तो बता दूंगी बाद में। साड़ी मिली है मुझे गिफ्ट में और बहुत महंगा गिफ्ट है। मैं अपनी शादी में, मेरी शादी की कोई भी साड़ी इतनी महंगी नहीं है जितनी ये है साड़ी। शादी में भी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगी होगी वो है सगाई की साड़ी 2300 की, और 2300 की सगाई की साड़ी है। बाकी 2700 की एक, 2700 के समथिंग एक मेरी वो शादी की साड़ी है, और एक 1800 की है। बाकी ज़्यादा साड़ी नहीं लाई थी मैं, और ये उनसे भी महंगी है। तो मुझे पहली नज़र में ये साड़ी पसंद आ गई थी, फिर यही साड़ी मुझे गिफ्ट मिली है। तो यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, उस साड़ी को मैं पहनूंगी अब अपने भैया की शादी में। अब मेरे भैया की शादी ना बहुत नज़दीक आने वाली है, तो भैया की शादी में ये वाली साड़ी पहनूंगी, तब देखना इसका लुक कैसा आता है, क्योंकि ना मुझे वैसे तो कपड़े पसंद नहीं आते, जब आते हैं तो थोड़े महंगे ही कपड़े पसंद आते हैं, पर मैं लाती नहीं, पर ये गिफ्ट में मिली तो गिफ्ट वालों ने दे दी, इसलिए दिस इज, इसमें तो आ नहीं रहा है, इसमें काली काली सी आ रही है, पर ये मेरी गिफ्ट की साड़ी है। इस साड़ी को हमेशा संभाल के रखूँगी।
चाय भी बन के तैयार हो गई है मेरी, बड़ा कप भर के। कई लोग बोलते हैं कि तुम तो कितना बड़ा कप चाय पीती है। वैसे हम ज़्यादा चाय बनाते नहीं, जब घर से दूध आता है तभी बनाते हैं। और बटर वाला बिस्किट, बाय बाय। अभी रात का खाना बनाने की तैयारी हो गई है और आज बनेगी लौकी और पीली दाल। लौकी काट ली है, प्याज टमाटर और पीली वाली दाल भिगा दी है, तो पहले मैं इनको भून के बना लेती हूँ, उससे जल्दी बन जाती है। मैंने प्रेशर रख दिया है, इसको भून के बनाएंगे ना तो जल्दी बन जाती है, दोबारा भूनने की जरूरत नहीं पड़ती है, शॉर्टकट वाला स्टाइल। अभी हमने दाल और लौकी को अच्छे से भून लिया है, अब इसमें हम उतना पानी डालेंगे जितना हमको पानी चाहिए। अब इसमें पानी डाल दिया, इसमें लगाएंगे 2 सीटी मीडियम आंच पे। हमारे बगल पे एक भैया रहते थे और उनकी शादी हुई आजकल, तो हमारे लिए लड्डू लाए थे। वैसे उन्होंने अभी कमरा चेंज कर लिया है, पर लड्डू हमारे लिए पहुंच गया था। दाल भी बन गई है, आटा भी गूंद लिया है और अब बनाती हूँ रोटी। यहाँ पे हमारी रोटियाँ भी बन गई है कुछ कुछ, और कुछ कुछ अब बन रही हैं।